नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ये सभी आपकी क्लास में ली जा रही हैं और आपके स्टेट पीसीएस में या फिर सिविल सर्विस में जो प्रीलिम्स में आप देखते हैं कि आपके भूगोल हो इतिहास हो चाहे संविधान हो अर्थव्यवस्था हो या विज्ञान हो इन सभी सब्जेक्ट से आप देखते हैं कि क्वेश्चन आपके आते रहते हैं तो इन सभी सब्जेक्टों को हम लोग कवर करेंगे और अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग इतिहास कवर कर रहे हैं और इतिहास में भी हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू किया हुआ है एक बार और बता दूं आप लोगों को देखिए अगर आप लोग स्टेट या सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने कर दी है तो ये सभी क्लासें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और ये क्लासें आपको में फायदा पहुंचाएंगी और साथ में ही आपका बेस मजबूत होगा और इससे आपको मुख्य परीक्षा में भी फायदा मिलेगा ठीक है तो ये सभी क्लासें आप लोग कवर कर लीजिएगा इसके लिए आपकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है यूपीएससी एंड स्टेट प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस के नाम से ठीक है और आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के बारे में एक सामान्य जानकारी देखी हुई थी आज हमें बात करनी है संगम काल के बारे में और संगम काल की बात होती है तो आप देखेंगे सौ से 300 सौ एडी तक इसका समय रहता है 100 ईस्वी से शुरू होता है और ये आपका कब तक रहता है 300 सौ एडी तक ठीक है 300 सौ ईस्वी तक ये आपको संगम युग दिख रहा है आपकी स्क्रीन के सामने आपको मैप दिख रहा है ये आप देखिए अरब सागर हो गया बंगाल की खाड़ी हो गई और खासकर आप देखिए दक्षिण भारत ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है ये आप देखेंगे कृष्णा नदी हो गई ये आप देखेंगे कि पेन्नार नदी हो गई यहां आप लोग कांची देखेंगे यहाँ आगा आगा आप लोग पुडुके देखेंगे ये कावेरी नदी है ये चोल है ये आप देखेंगे उरेयूर है ये आपको तंजावुर देखने को मिलेगा ये आपको गंग कोंड चोलपुरम देखने को मिलेगा ये आपको चिद्वरम देखने को मिलेगा ये आपको कावेरीपट्टनम देखने को मिलेगा ये आप लोगों को नांग पटीनम देखने को मिलेगा ये श्रीरंगम देखने को मिलेगा मदुरई पांड और ये आप लोगों को कोर कई देखने को मिलेगा यहाँ आप लोग देखें तो ये आपका मुजरिस हो गया और यहाँ चेयर ठीक है और ये आपका पड़ोसी है सिलोन जिसे आ, आज, आज आप लोग श्रीलंका कहते हैं ये आपका कन्याकुमारी है ठीक है और हिंदू महासागर आपको देखने को मिल रहा होगा तो एक तरह से आप देखिए चोल इसी क्षेत्र में राज करते थे संगम काल आपका यही रहा है ठीक है और चोल आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहे हैं तो इन्हीं सब के बारे में हमें बात करनी है और जानने की कोशिश करनी है तो ये इस समय के बारे में अध्ययन आप लोग दो तरह से आप लोग इस बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं और इस समय के बारे में जानने की कोशिश की जाती है एक तो आप सभी जानते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों से इस समय के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं और एक साहित्य के द्वारा क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे उन्हें हम लोग पढ़ भी सकते हैं समझ रहे हैं आप लोग तो पुरातात्विक अगर आप लोग देखें तो सम्राट अशोक का अभिलेख हो गया और इसमें अगर आप देखें ऑगस्टस का मंदिर मुजरिस खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख भी है अगस्टस तथा टेबेरियस के मोहर वाले सिक्के और नीरो के सोने और चांदी के सिक्के तमिल प्रदेश में अनेक स्थान से प्राप्त हुए उक्त एवं कच्छ विहीन कब्र भी मिली हुई है और साहित्य में देखें तो भारतीय संगम साहित्य और विदेशी और विदेशी साहित्य भी है और भारत का भी है अपना ठीक है तो इन्हीं से हम लोग बात करते हैं संगम काल दक्षिण भारत में नौपाषाण काल के क्षेत्र के साथ ही इतिहास की अंगली कड़ी के रूप में आरंभ हुआ और संगम काल के भौगोलिक क्षेत्र कृष्णा नदी के आसपास के क्षेत्र से तमिल कम या फिर देखिए तमिश कम प्रदेश कहा जाता था और बहुत सारे व्यापारी विजेता लोग तथा जैन बौद्ध और कुछ ब्राह्मण धर्म विचारक उत्तर से आकर प्रायद्वीपी के प्रायद्वीप के छोर तक पहुंचे और इसके पश्चात आप देखेंगे तत्पश्चात तो वहाँ एक वहां पर नई भौतिक संस्कृति का उदय हुआ जिसे आप लोग संगम कहते हैं संगम संस्कृति कहते हैं इसमें तीन राज्यों का उल्लेख मिलता है एक तो चोल मिलते हैं चेर मिलते हैं पांड मिलते हैं और संगम ऐसा मान लेते हैं कि आप देखिए कि कोई मिल रहा हो कोई एक ऐसा एस स्थान एस जहां किसी का मिलन हो रहा है संगम समझ तो रहे हैं आप लोग साहित्यिक स्रोत में संगम साहित्य संगम काल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और दक्षिण भारत के बारे में इससे पहले हमें कोई भारतीय लिखित स्रोत से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है संगम का अर्थ होता है तमिल कवियों का सम्मेलन यानी कि एक जगह सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में कवियों के द्वारा साहित्य का संकलन किया जाता था और जिसके नाम पर पूरे काल को संगम काल कहते हैं और ये सम्मेलन को शासकों द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया जाता था इनके अगर आप देखिए संगम हो गए अध्यक्ष हो गए संरक्षक हो गए स्थल हो गए और ऋषियों की संख्या तो प्रथम संगम की बात करेंगे तो अगस्त इसके अध्यक्ष कौन थे अगस्त और इसमें संरक्षक कौन था पांड थे ठीक है और स्थल आप देखेंगे मदुरा और ऋषियों की संख्या इसमें कितनी थी पांच द्वितीय आप देखेंगे तौल कापियर इसके संस्थापक अध्यक्ष अगस्त थे और पांडे इसमें आप देखेंगे उनसठ कपाटपुरम अलवे इसकी इसका स्थल हो गया और उनचास इसमें ऋषियों की संख्या तृतीय कीरर पांड उन, पांड आप देखेंगे उनसठ उत्तरी मधुरा इसमें उनचास ने ऋषियों की संख्या थी ठीक है तो एक सामान्य जानकारी रख सकते हैं अगर विदेशी साहित्य में देखें तो मेगा स्त्रीज ने सर्वप्रथम दक्षिण राज्यों का उल्लेख किया था कैसने मेगास्त्रीज ने उसने पांड राज्य को मोतियों के लिए मशहूर बताया था उसने बताया कि जो पांड राज्य है ये मोतियों के लिए काफी मशहूर है की प्रशंसा की थी और संपन्न भी बताया था अगर हम लोग संगम साहित्य की बात करें तो इस का संकलन इस से लेकर 600 ईसवी के बीच किया गया और परंतु इसमें कुछ पुराने कम से कम ईसापुर दूसरी सदी के प्रतीत होते हैं आठवीं सदी में लिखी गई संगम की रचाओं में कहा गया है कि तीन संगम नौ वर्ष तक चले एक लंबे समय तक आप देख रहे हैं नौ वर्ष तक और इसमें आप देखेंगे आठ हजार कवियों ने भाग लिया और एक सौ संतानवे पांड्य शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया संपूर्ण संग्रह में 102 सौ दो नामोल्लेख के अतिरिक्त चार कवियों की बाईस रचनाएं कितनी दो रचनाएं हैं मोटे तौर पर संपूर्ण संगम साहित्य को दो भागों में बांटा गया एक तो आपका आ, आरूच आरोचनात्मक और एक है आपका उपदेशात्मक ठीक है और उपदेशात्मक ग्रंथ में अगर को देखें तो किल कंकु केल कंकु अर्थात अठारह अठारह लघु ग्रंथ कहते हैं किसे उपदेशात्मक ग्रंथ को और यह है नीति साहित्य है और यहां पर आर्य एवं जैन प्रभाव देखता है आपको इस साहित्य में तिरुकुराल व दियार नल दियार महत्वपूर्ण है तिरुकुराल के प्रभाव के कारण इसे तमिल का बाइबल भी कहते हैं तमिल का क्या कहते हैं बाइबल भी कहते हैं इसमें आप देखें कुरिज पिवर्तीय प्रदेश से संबंधित नीथल या नेपत इस समुद्र तट से संबंधित मर मरुदम एक कृषि भूमि से संबंधित था किससे कृषि भूमि से संबंधित और मुए ये आप देखेंगे अरज्य भूमि चारागाह से संबंधित पले ये निर्जल स्थल या सूखी भूमि मृत भूमि से संबंधित विषय की दृष्टि से संगम साहित्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है एक अगम अंतरंग ए प्रेम से संबंधित रचनाएं पुरम बाह राजा की प्रशंसा से संबंध संबंध रचनाएं हैं है आपकी ठीक है संगम साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए इनके ये साहित्य हो गए इनके रचनाकार दोनों को याद रखिएगा ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछ लेता है तोल का पीएम ए तोल का पियर इसके रचनाकार रहे मणि मैखिल शीतले लेखक रहे सतनार, इसके जीवक चिंतामणि तिरु तक देवर इसके लेखक रहे कुरल तिरुकुरल ए तिरुवल्लुवर इसके रचनाकार रहे पतु बातु ए दस गीतों का संग्रह पारी ये आप देखेंगे चेर शासकों का वर्णन मिलता है एतु तोके ये आठ गीतों का संग्रह मिलता है सरमन मरु गरु गरुपाध्याय ये नक्कीर इसके रचना कर रहे हैं दक्षिण भारत के नाम देखिए इसी तरह के रहेंगे संगम साहित्य में बड़ी बड़ी कविताओं का संकलन किया गया है जिसे महाकाव्य के नाम से संबोधित किया गया है राजस्व से संबंधित शब्द मिलते हैं मा या फिर वैली भूमि के दो प्रसिद्ध माप थे ए भूमि कर था उलगू या संगम चुंगी एवं सीमा कर था कड़मे या पाडू ए राजा को अदा किए जाने वाले कर थे एरोवे ए, ए अतिरिक्त या फिर जबरन वसूला जाने वाला कर था तो इन्हें भी याद रखे शिलाम इस ग्रंथ का लेखन चोल सम्राट करी काल के पोत एलेंगू गल ने किया था ये याद रखिएगा जरूर इस ग्रंथ को नोफोर नोपुर की कहानी भी कहा जाता है इसका नायक कोलन जो एक व्यापारी था और नायिका कन्नेगी की दुर्भाग्यपूर्ण कथा है कोलन कावेरी पटनम जो चोल राज्य की बंदरगाह था वहां एक बैस्या आधवी से प्रेम करता था तो उस समय भी आप देखिए प्रेम चल रहे हैं मणिमेखले इसमें आप देखेंगे तमिल साहित्य में उड़ीसी के नाम से प्रसिद्ध है इसकी रचना शीतले सतनार नामक कवि ने किया था और यह बौद्ध धर्म को मानने वाला था और वह अनाज का व्यापारी था यह ग्रंथ शिल्पाधिकारम कथा का अंगला विस्तार है और इसकी नायिका माधवी एवं कोलन से उत्पन्न पुत्री मडी मेखलई तथा राजकुमार उदय कुमार के बीच प्रेम संबंधों की चर्चा है और इसमें मधुरे का सुंदर विवरण भी है इसमें कपालिक सन्यासियों की भी चर्चा की गई है जिसमें मणि मेखले में फिर आप देखेंगे कि आपका ए, जीव जीवक चिंतामणि क्या है जीवक चिंतामणि और इसका लेखक था तिरुतक देवर जो संभवतः एक चोल एक चोल राजकुमार था इसे जीवक से विग्रह की पुस्तक भी कहा जाता है क्योंकि इसका नायक जीवक अपने पराक्रम से आठ रानियों से विवाद करके आनंद पूर्वक जीवन जीता है लेकिन बाद में जैन भिक्षु बन गया और इस ग्रंथ में आठ विवाहों का वर्णन किया गया है जो उसके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है इसे विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है क्या कहते हैं विवाह ग्रंथ ने तमिल महाभारत की रचना की थी ठीक है अगर हम लोग इस समय की राजनीतिक इतिहास की बात करें तो संगम कालीन राज्यों का उदय गैर खेती हर वर्ग की कृषि में प्रवेश से हुआ और विभिन्न कुल के मुखियाओं के नेतृत्व में ये राज्य के स्वरूप प्राप्त किए और दक्षिण में इन तीन राज्यों की भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्व में चोल दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे पांडे थे चेर राज्य की बात अगर सबसे पहले कहें करें तो इस राज्य का विस्तार मुख्यतः केरल में था कहा था केरल में था आज जिसे आप लोग केरल देखते हैं ना उसी की बात हो रही है इस राज्य को कुड़ावर विल्लवर को या पूरे पुरेवार मलेवार या बनावर आदि नामों से भी आप लोग जानते हैं चेर राज्य को इस राज्य का प्रतीक धनुष था इन्हें भी छोटे छोटे पॉइंट लेकिन बड़े मोटे मोटे पॉइंट है कई बार पूछ लेता है इस राज्य का प्रतीक क्या था धनिष उदी उदयन जैरल इस वंश का प्रथम शासक माना माना जाता है। माना जाता है है और ऐसा कि महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था थाराल नेदु नेदू जराल आदन उसका उत्तराधिकारी था उसने मालावार तट पर यवनों से समुद्री के युद्ध कर उन्हें पराजित कर बंदी बना लिया था उसने सात राज्यों को पराजित करके करने के उपलक्ष्य में अधिराज्य की उपाधि धारण की थी और उसकी दूसरी उपाधि आप देखेंगे इमे वर्मन वर बर, वरम बंधी थी जिसका अर्थ होता है जिसकी सीमा हिमालय तक हो और इसका उत्तराधिकारी इसका दूसरा पुत्र इसे लाल चेर भी कहा जाता है वह चेर का महान शासक था गजबाहू जो श्रीलंका का शासक था वह इसके दरबार में आया था इसके बारे में उल्लेख महान कवि फर्नर ने किया है और सैन गुट्टू वन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई कर गंगा को पार किया था और पर्णौरन के अनुसार इसके पास बड़ी नौसेना थी नौसेना यानी कि पानी से जुड़ी हुई इसने कन्नेगी पूजा अथवा पत्नी पूजा प्रारंभ की थी समझ रहे हैं मेगस्थनीज ने मेगस्थनीज ने भी पत्नी पूजा का उल्लेख किया है टॉलमी के उल्लेख से तथा वंजी क्रू वर्क के नगर के आसपास अनेक स्थलों से रोमन सिक्के प्राप्त होने से यह प्रतीत होता है कि वंजी शहरों की राजधानी थी अन्य छोटे शासकों में आए और पारी महत्वपूर्ण थे आय ने उ एक ब्राह्मण को उदार उदारतापूर्वक संरक्षण दिया था पारी ने कली पर क्या कपिलर नामक अन्य ब्राह्मण को संरक्षण दिया था और इन्हें वेल शासक कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति का प्यारंभ अग्निकुंड से माना जाता है संगम काल का अंतिम चय शासक हुआ सेई से, है। से, है। से है। ठीक है और उसके समकालीन पांडव शासक ने नेडू जेलियन ने उसे पराजित कर चेर राज्य की स्वाधीनता का अंत कर दिया फिर आप देखेंगे कि आपका चोल राज्य चोल राज्य के बारे में बात करें तो चोल राज्य दक्षिण भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली और विस्तृत राज्य था इस वंश की प्रथम जानकारी कत्यायन की वर्तिका से मिलती है इसके अलावा महाभारत संगम साहित्य पेरी प्लस ऑफ दिथियंसी में वर्णन मिलता है चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार और तथा विलारू नदियों के मध्य स्थित था चोलों का प्रतीक चिन्ह बांध था क्या था बाध और इनकी प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी बाद में ओरेयूर और तंजावुर भी इनकी राजधानी रही चोलों की ओरेयूर के पा कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और प्रथम चोल शासक इज इज जेत चिन्नी था और यह एक वीर और तथा महान योद्धा था इसे अनेक सुंदर रथों वाला बताया गया इसी ने उरीयूर को राजधानी बनाया था चोल राजाओं में करीकल शासक प्रमुख था इसका कार्यकाल आप देखेंगे लगभग एक सौ नब्बे एडी माना जाता है कारिकल कारिकाल का शाब्दिक का अर्थ क्या होता था कारिकाल का शाब्दिक अर्थ होता था जले टांगों वाला इसे सात स्वरों का ज्ञाता भी कहा जाता है इसने चोलों की तटीय राजधानी पोहार की स्थापना की कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया था तंजोर के निकट वेनी के युद्ध में, युद में समूह पर विजय प्राप्त की वाहे पर... वाहे वाहे पर युद्ध था इस युद्ध में उसने नौ राजाओं को पराजित किया था आप समझ रहे हैं अकेला व्यक्ति नौ राजाओं को पराजित कर रहा है कारी का... कारी काल के बारे में यह भी पिछले थे कि उसने बारह हजार युद्ध बंदियों को जो श्रीलंका से थे लाया और काबेरी बांध बनवाया था इनसे वह ब्राह्मण धर्म को मानने वाला संरक्षक था करीकाल ने उद्योग धन देव धंधों एवं कृषि की उन्नति में विशेष रुचि ली इसने जंगल को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन करके कृषि को प्रोत्साहित दिया सिंचाई के लिए तालाब भी खुदवाया इसने और इसमें आप देखेंगे अंतिम महान शासक हुआ नेडू जिलियन नेडू जिलियन ठीक है फिर आप देखेंगे पांड राज्य आता है चोल के बाद पान, पांडराज और पांडराज्य प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व पूर्वी भाग में था मदुरे इसकी राजधानी थी इसका प्रतीक चिन्ह आप देखेंगे कार्य कार्य था एक प्रकार की मछली था और मैगस्थनीज ने ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में पांड राज्य का उल्लेख मोतियों के देश के रूप में किया था पांडराज्य के प्रथम प्रसिद्ध शासकों में नेडी नेडी योन था और इसने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया था और समुद्र पूजा की प्रारंभ पूजा भी प्रारंभ कराई इसने इसके बाद आप देखेंगे पलसा लई पलसा लई मुद्दू कुडोमी था और वेल विकुडी दानपत के अनुसार यह पांडवंश का ऐतिहासिक राजा हुआ और विजित राजाओं के प्रति कठोर नीति अपनाया था तथा वैदिक यज्ञ किए थे इसने और उसने पलसाले और महेश्वर की उपाधि भी धारण की हुई थी पांड्य शासकों में सबसे विख्यात नेडू था और उसकी प्रसिद्धि आप देखें अगर तो तलेया पलेया या की युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप हुई उसके उसने 210 सौ दस एडी तक राज्य की या कवियों का संरक्षक भी था और यह जब व्यापार पर विशेष ध्यान देता था इसके लाभ को देखते हुए रोमन सम्राट अगस्ट के दरबार में अपना दूध भी भेजा था और इसके बाद पांड राज्य कमजोर होने लगे संगम ग्रंथ में नल्ली नल्लिक कोडम को संगम युग का अंतिम शासक माना जाता है किसका संगम युग का फिर अगर हम लोग इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें संगम काल की तो संगम कालीन व्यवस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत संगम साहित्य और इसके अलावा कौटिल्य अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की आप लोग देखते हैं ना अर्थशास्त्र इसमें दक्षिण के चेहर चोल और पांडव राज्यों के संदर्भ में कुछ शब्द का प्रयोग किया गया ऐसे राज्य उत्तर भारत में भी थे संगम कालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत था और समत, समस्त अधिकार राजा में निहित थे प्रजा को संतान के रूप में मानते थे यानी कि देखिए राजतंत्र भी बुरी चीज नहीं है अगर ईमानदारी से राजा अपना कर्तव्य निभाता है तो राजतंत्र भी बहुत अच्छी बात होती है और लोकतंत्र आप देखिए कोई अच्छी बात नहीं अगर मान लीजिए लोकतंत्र है आपके यहां अगर आप सोचिए कि राज, लेकिन लोकतंत्र में भी अगर वो तानाशाही रवैया अपनाता है और आप देखिए लोगों के अधिकारों को छीनता है तो आप सोचिए उस लोकतंत्र का क्या मतलब है ठीक है और संगम युगीन शासक को मनोरम वेदन एरेवन तथा को आदि उपाधियां मिलती थी को उपाधि से देवता को भी विभूषित किया जाता था और राजा सभी अर्थों में निरंकुश होता था जिसकी निरंकुशता में विद्वानों की उक्तियां युक्तियों और किसी मंत्री कवि या राजा के किसी मित्र द्वारा समय समय पर होने वाले हस्तक्षेप से कमी हो पाती थी राजा को व्यक्तिगत आचरण में न्यायप्रिय माना जाता था उसके कार्य को देवकृत माना जाता था और जनता के हृदय में बड़ा सम्मान माना जाता था उसके खिलाफ उसके खिलाफ नहीं उसके लिए सम्मान और एक बात और आपको कई आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी जनता के लिए कई राजाओं राजा बलि हमेशा आप सोचिए कि अपने परिवार की तरह जनता को मानते थे राजा को महानता उसके दिग्विजय से प्राप्त होती थी और वह पक्षपात पक्षपात रहित होकर शासन करता था राजा के लिए सबसे सम्मान की बात यह थी कि उसके कार्यों से ब्राह्मणों को दुख ना पहुंचे पूर्णा नरू की कविता में चक्रवर्ती राजा का दृष्टांत मिलता है इसी कृति में आप देखेंगे तो राजा के मृत्यु के बाद उसके साथी द्वारा आत्महत्या का उल्लेख भी मिलता है अब आप सोचिए कि कितना तो प्रिय रहा होगा उसके लिए राजा कि वे उसकी उसकी मृत्यु के बाद आप देखो सुसाइड कर लेता है राजा के उत्तराधिकारियों के बारे में स्पष्ट नियम नहीं मिलता ऐसा माना जाता है कि बाद में शासक का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता था परंतु सत्ता के लिए आपसी संघर्ष का भी दृष्टांत मिलता है यानी कि कई में आप देखिए किसी के दो पुत्र हैं तो उनमें भी होता रहता था संघर्ष सत्ता को लेकर आज भी आप देखते हैं हमारे देश की राजनीति में नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा मिलता रहता है संगम काव्य में राजा पर पांच परिषदों का नियंत्रण होता था जिन्हें महासभा के नाम से जानते थे मंत्री ये अमी अमीचार और पुरोहित पुरोहितार सेनानायक सेनापति आर देवदूत दूत या राजदूत दूतार गुप्तचर ठीक है राजपद राजपदानुगत होते हुए भी पूर्णता स्वच्छंद नहीं था उसे भी धर्म व संस्कृति के अनुसार चलना पड़ता था राज्य में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था को नालवे कहा जाता था क्या नालवे नालवे और यह राजा के साथ मिल साथ मिलकर राज्य के प्रशासनिक कार्यों को करते थे इस काल में नगर व ग्राम के स्तर पर प्रशासन की अलग अलग संस्थाएं होती थी इन्हें प्रशासनिक सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर पर बांटा जाता था जहां पर मंड लम संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक निकाय थी वही सरेयूर, मुडोर व आवे ग्राम के सभा ग्राम के सभा थे और नगरों में उर नामक सभा न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों कार्य करता था ग्राम में आप देखेंगे पंचायतों के, के परामर्श से ही कानून बनाया बनाया जाता था राज्य में ऐसे अनेक संस्थाओं का उल्लेख है जो चुंगी व कर लिया करते थे टैक्स लिया करते थे राज्य के आय का प्रमुख साधन कृषि व व्यापार से प्राप्त कर था यानी कि जो आप देख कृषि खेती किसानी पर कर टैक्स और व्यापार पर टैक्स ठीक है भूमि कर नगद बा अनाज रूप में लिया जाता था कर के रूप में उपज का एक छठवा भाग लिया जाता था लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि अभी नहीं हमारे यहाँ अपने देश में कर नहीं लगता है कृषि पर संगम काल में राजा अंतिम न्यायाधीश होता था यानी कि आप देखिए न्याय का काम राजा करता था और उसका फैसला भी अंतिम होता था राजा के सर्वोच्च न्यायालय को मनोरम कहा जाता था क्या मनोरम और इसी, स, इसी सभी प्रकार के दंड देने का अधिकार था उस समय दंड कठोर हुआ करते थे पौडियल ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी प्रशासनिक सुविधा के लिए इन राज्यों को विभिन्न इकाइयों में भी विभाजित किया गया था जैसे मंडलम संपूर्ण राज्य नाडू प्रांत और पेरूर ये नगर या बड़े ग्राम सेरेयूर ए छोटा ग्राम मुड़ूर ये पुराना ग्राम अवे ये छोटे ग्राम की सभा थी जो स्थानीय विवादों व व्यापार तथा रोजगार आदि से संबंधित थे पट्टीनम ए तटीय शहर साले ए प्रमुख ए नगर की प्रमुख गली पेडियल सार्वजनिक सार्वजनिक स्थल स्थल हुआ हुआ करता करता था था क्या संगम काल में युद्ध को विशेष महत्व दिया जाता था और इसलिए राज्य के स्वरूप में सैन्य प्रशासन का विशेष महत्व था प्रत्येक शासक के पास पेशेवर सिपाहियों की एक सेना होती थी जिसे पक्षे तथा उसके कप्तानों को एन की उपाधि दी जाती थी या उपाधि विशेष समारोह में दी जाती थी सेना चतुरंगड़ी होती थी और जिसमें रथ हाथी घुड़सवार पैदल सेना होती थी यानी कि एक तरह से आप सोचिए कि राजा प्रजा मतलब पूरी एक तरह से आप सोचिए अपनी रक्षा के लिए अयोध्या के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया कि जिसमें रथ हाथी घुड़सवार पैदल सेना होती थी और युद्ध क्षेत्र में संकेत के रूप में ढोल या संघ का उपयोग होता था और सेना की अग्नि टुकड़ी तुसी और पिछली टुकड़ी को कुले कहते थे ठीक है अर्थव्यवस्था की बात करें तो संगमकालीन अर्थव्यवस्था स्वचालित तथा पूर्णता आत्मनिर्भर थी आजकल आप देखते हैं ना हमारे देश में आत्मनिर्भरता की बात होती रहती है आत्मनिर्भर बनी है सामान्यतः लोग अधिकांश कृषक अथवा पशुपालक शिकारी व मछुआरे हुआ करते थे किसी कृषि के अतिरिक्त जहाजों का निर्माण कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग था अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था वस्तु विनिमय का मतलब यही होता है कि एक वस्तु आप दीजिए उसके बदले हम दूसरी वस्तु आपको दे दें ठीक है यानी कि आपने गाँव में देखा होगा आप आप लोग लोग देखते हैं ना कि गेहूं दे देते हैं आपको मटका मिल जाता है इस तरह की व्यवस्था देखते हैं ना ठीक है अनाज का विनिमय सर्वाधिक स्वीकृत माध्यम था धान गन्ना रागी जो इस काल की प्रमुख फसलें थी ऐसा विदित होता है कि यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और जिसमें अच्छी पैदावार होती थी किसानों की जाति होती थी जिन्हें वेलार कहते थे वेलार और इनके भी दो वर्ग थे एक संपन्न किसान दूसरा मजदूर मजदूर वर्ग की स्थिति दयनीय थी और आप सभी जानते हैं कि मजदूर की स्थिति तो दयनीय रहेगी किसान किसान होता है मालिक मालिक होता है इस काल में महिलाएं भी कृषि कार्यों में पुरुषों का सहयोग देती थी अनाज के साथ साथ कुछ व्यापारिक फसलें भी उगाई जाती थी जैसे कटहल हो गया केला नारियल मसाले में गोल गोलमेच हल्दी जायफल इलायची दक्षिण भारत में अपने मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था और अभी भी आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में मसाले काफी चर्चित रहते हैं संगमकालीन प्रमुख नगर हो गए ये पुहार प्रसिद्ध बंदरगाह तथा समुद्री तटीय चोल राजधानी राजधानी था था और और एयूर चोलों की द्वितीय कपड़ों का बड़ा केंद्र कोरकाई पांडवों की तटीय राजधानी था मदुरे ये पांडवों की राजधानी था वज्जी मर्दे ये चेरों की राजधानी था कांची पल्लवों की राजधानी थी मुसेरी ये चेर बंदरगाह था संगम काल में किसी को बढ़ावा देने के लिए नदियों को काटकर नहर बनाया जाता था तालाब के माध्यम से भी सिंचाई का प्रबंध किया जाता था तो आज जैसी सुविधा हो गई थी कृषि कार्यों में सलगन वर्ग एनियर ये शिकारी एनआरी ये योद्धा कड़ेसियर ये खेत मजदूर परियार ये धर्मशिल्प या खेती मजदूर बल्लाल ये आप देखें कि कृषि वर्ग पुलिया ये कृषक वर्ग बस उद्योग से वस्त्र उद्योग से संगम काल में अनाजों को सुखाकर अनेक उत्पाद बनाया जाता था और उस समय खरा शराब आदि का उत्पादन गन्ने से किया जाता था संगम में आप देखेंगे आंतरिक एवं बाह्य व्यापार होता था बाह्य व्यापार ही उसके समृद्धि का कारण था आंतरिक बाजार को औनम कहा जाता था क्या औनम कहा जाता था और यह स्थानीय लेनदेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था आंतरिक व्यापार विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न भिन वस्तुओं के उत्पादन के कारण होता था और उत्तर व दक्षिण की मध्य आभागवन के साक्ष्य भी मिलते हैं और शिल्प से ज्ञात होता है कि बाजार में जोहरी को विशेष महत्व था और आंतरिक व्यापार में जड़ी बूटियां तेल मांस पशुओं इत्यादि का व्यापार होता था संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार विदेशी व्यापार था रोम सम्राट अगस्टस टाइवेरियस नीरो के काल तक काल तक यह व्यापार बहुत फल, फला फूला पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी ने सी से अरब मिश्र के साथ भी व्यापार की जानकारी मिलती है पुरातात्मिक स्रोतों से भी मुजरिस तथा करोयूर ने में अब अनेक रोमन सामग्री भी समरागी भी मिली हुई है और मुजरिस मुजिरिश में ऑगस्टस का मंदिर मंदिर रोमनों द्वारा बनवाया गया था बाह्य व्यापार के लिए संगम काल में पतनों का उपयोग किया जाता था पांड राज्य में सालियुर और चैर राज्य में आप देखेंगे बंदर नामक तटों की गणना महत्वपूर्ण बंदरगाहों के रूप में की जाती है पुहार पुहार का उल्लेख टोलमी और खबेरिस दोनों ने किया हुआ है जो काबीरी पतनम का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था तोंडी मोसीरी तथा पुहार में यवनों की उपस्थिति सालों भर रहती थी यवन लोग मुसीरी में सोने भर कर लाते थे और यहाँ से काली मिर्च और समुद्री उत्पाद ले जाते थे और ने, नीर प्यारू एक अन्य समुद्री बंदरगाह था जहाँ पर पश्चिम के से घोड़े और उत्तर से अन्य उत्पादित वस्तुएं लाई जाती थी और आप देखिए कि मसाले हमारे भारत के मसाले खासकर दक्षिण भारत के आप देखिए अंग्रेजों के समय तक फायदेमंद रहे हमारे यहाँ से अंग्रेज मसाले ले जाकर रह जाते थे अपने देश में और आप देखिए कि पश्चिमी देश आते थे हमारे यहाँ खरीदने उन्हें आप कहते हैं कई गुना लाभ होता था और शुरू में आप देखिए कि बाहरी लोग जितने भी आए हमारे यहाँ शासन करने के उद्देश्य नहीं आए वो व्यापार करने के उद्देश्य आए और आप देखिए कि हम लोग इसीलिए तो सोने की चिड़िया कहते थे फिर आप सोचिए कि हमारे यहाँ से वो यहीं रुक गए यहीं शासन करने लगे और यहीं का पैसा यहीं उन्होंने व्यापार किया और लेके चले गए ठीक है और आयात की जाने वाली वस्तुएं यानी कि वहां से मंगवाने वाली वस्तुएं देखिए आयात और निर्यात का हर बार मतलब बताता हूं आयात का मतलब होता है खरीदारी और निर्यात का मतलब होता है कि हम लोग किसी कोई वस्तु कोई दे रहे हैं तो आयात की जाने वाली वस्तुओं में तामा रंगा सीसा गंदला गदला कांच शराब जो दो कलश मुद्राएं पुखराज निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जटामासी तेजपात गोल मिर्च वस्त्र मलमल बिलासिता के सामान कछुए की कोपड़ी रस मोती और आप सोचिए कि हमारे यहाँ के वस्त्र भी बड़े पर मतलब चर्चित रहते थे बड़े अच्छे लगते थे राजा महाराजा पहनते थे आप सोचिए पश्चिमी देशों के व्यापार का संतुलन भारतीय पक्ष में था इसी कारण पिलिनी निराश होकर लिखता है कि रोम भारत से व्यापार करके अपने सोने के खजाने को लुटा रहा है आज आप देखिए कि हमारे पक्ष में नहीं है व्यापार हम लोग घाटे में रहते हैं और समय सोचिए भारत के पक्ष में है यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए यानी कि आज के समय में हम लोग सौ रुपए का खरीद रहे हैं तो हम लोग बेच कितने कह पा रहे हैं पच्चीस रुपए का यानी कि पचहत्तर रुपये का घाटा हो रहा है मैं. और उस समय मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ उस समय आप देखिए कि सौ रुपये का आप लोग खरीदते थे तो आप कहिए कि दो सौ तीन सौ पांच सौ रुपये का आप लोग बेचते थे यानी कि हमारे हमारे पास पैसा आ रहा था उल्टा ठीक है और संगम साहित्य में मुद्रा के साक्ष्य मिलते हैं एवं खुदाई में अनेक स्थानों पर विदेशी सिक्के भी प्राप्त हुए साहित्य में कासु कलम पौन और वेन, वेन फैन नामक सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है माप तौल के लिए अम्मा नम अम्मा नम का प्रयोग किया जाता था छोटे तौल के रूप में नाली उलाक अलाक पिचलित थे सामाजिक स्थिति की बात करें तो संगम काल से पूर्व का समाज मूलता जनजातीय था परंतु कृषि के कारण धीरे धीरे इसमें परिवर्तन के तत्व दिखने लगे और इसकी दूसरी विशेषता उत्तर व दक्षिण का सामाजिक समन्वय था और इसी के समय उत्तर से अनेक धर्म प्रचारक जैसे ब्राह्मण जैन जे, बौद्ध जैन था और तथा अन्य आकार में बसे बस गए थे जिसके फलस्वरूप मिश्रित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हुई उत्तर भारतीय समाज के अनुसार यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा थी जिसमें पिता भाई बहनों पर व पुत्र बधुओं का स्थान था यहाँ वैदिक वर्ण व्यवस्था की तरह विभाजन मिलता है जिसका उल्लेख पुरुणानुरू में मिलता है और ये वर्ड अर्सर शासक अंडनर ब्रह्मण वेनिगर ये वड़िक और वे वेलाल एक किसान थे परंतु यहाँ पर कुछ भिन्नता भी मिलती है क्योंकि क्षत्रिय वैश्य नियमित वर्ण नहीं थे ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था और इनकी समाज तथा राजदरबार में इनकी समाज तथा राजदरबार में पर्याप्त प्रतिष्ठा थी और दक्षिण भारत के ब्राह्मण मांसाहारी थे और इसे कुप्रवृत्ति के रूप में नहीं देखा जाता था और आज भी आप लोग दक्षिण भारत में देखिए तो वहाँ पंडित आज भी आप देखेंगे मांस खाते हैं समझ रहे हैं आप लोग चावल मछली खाते हैं इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए वेल्लाल का कृषि की अधिकांश भूमि पर नियंत्रण होता था और इन्हें कृषक वर्ग में रखा जाता था वेल्लार कृषि के साथ-साथ चोल चेर बापांडर राज्यों में सैनिक बा असैनिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे वेल्ला दो भागों में विभक्त थे जमीदार और भूमिहीन खेतीहर चोल राज्य में उनकी उपाधि वेल्थ और आरसू तथा पांडर राज्य में कबीदी थे और इन्हें शासकों की तरह ही राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कड़े सीयर करते थे जिनकी गुलामों की जैसी थी संगम काल में सामाजिक भी मिलती है पुलेयर लोग रस्सी की चारपाई बनाते थे एनियर वधिकों की जाती थी संगम काल में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था उच्च वर्ग की स्त्रियां कला की शिक्षा भी प्राप्त करती थी तौल तौल्क पीएम में विवाह के संस्कार का भी वर्णन मिलता है यहाँ पर आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे गंधर्व विवाह को कलवु कहा जाता था माता पिता की सहमति से होने वाले विवाह को करफू कहा जाता था समाज में सती प्रथा भी विद्यमान थी जिसका प्रोत्साहन कन्दगी की पूजा हुआ पूजी हुआ और मछुआरे व तटीय लोग वरुण की पूजा करते थे किसान लोग इंद्र की पूजा करते थे फोहार के वार्षिक उत्सव में इंद की विशेष प्रकार की पूजा होती थी मरियम्मा परशुराम की माता चेचक से संबंधित शीतल माता थी एलम्मा सीमा की देवी थी संगम काल में बौद्ध और जैन धर्म का विकास भी हुआ मणि मेखली व शिल्पादिकारम महाकाव्यों से जैन व बौद्धों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण जाने का उल्लेख भी इसका प्रमाण है संप्रीति को श्वेतांबर दीक्षा देने वाला आचार्य सुहास्तिन दक्षिण का ही था फिर आप देखें धर्म की बात होती है संगम काल में धर्म के सभी रूप मिलते हैं यहाँ पर समन्वय के तत्व मिलते हैं यहाँ पर उत्तर की तरह आर्य दस्यु संघर्ष नहीं मिलता है यहाँ पर पुनर्जन्म वीर पूजा पित्त पूजा तथा सती पूजा का संपूर्ण दर्शन मृत्यु से संबंधित है जीवात्मा तमिल धर्म का अंग है और इसमें पिस्तर जल नक्षत्र और ग्रहों की पूजा शामिल है दक्षिण में आप देखेंगे वैदिक धर्म का भी प्रचार हो चुका था और अगस्त की तरह कौडिण्य ऋषि का भी दक्षिण भारत से पर्याप्त संबंध था पांडरा राज्यों के पुरोहित अगस्त गोत्र के ब्राह्मण होते थे तमिल व्याकरण की उत्पत्ति अगस्त से माना जाता है और दक्षिण में अगस्तेश्वर नाम का मंदिर भी मिलता है जहाँ पर शिव मूर्ति स्थापित है पुरुणान नरो और तोलका पीएम के अनुसार अगस्त का संबंध द्वारका से था तमिल देवताओं में मुरुगन सबसे महत्वपूर्ण था बाद में मुरुगन का नाम सुभ शुभमन ए भी मिलता है और स्कंद कार्तिकेय ने इस देवता का एकीकरण हो गया और कार्तिकेय को अनेक नामों से पुकाया जाता है मुरुगन का दूसरा नाम वेलन है वेलन का संबंध वेल से है और जिसका अर्थ बधि अर्थ है बधि और ये आप देखेंगे देवता का प्रमुख अस्थ है मुरुगन का प्रतीक मुर्गा था मुरुगन का प्रतीक क्या था मुर्गा था तो ये आपकी संगम काल की कहानी खत्म हो जाती है और संगम काल के बारे में एक ओवरव्यू आपका हो जाता है संगम के बाद आप देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में और याद रखिए गुप्त साम्राज्य से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं हमेशा पूछे जाते हैं और इसीलिए कहता हूं कि कम से कम आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देखिएगा उससे क्या रहेगा कि आप लोगों को कम से कम एक ओवरव्यू तो मालूम चल जाएगा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है तो अगर आपके को कोई सवाल हो कुछ सुझाव हो तो आप लोग बताइएगा और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तब तक आप लोग इंजॉय करते रहिए